अब हम चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। हमारी अगली रेसिपी गुलगुले। गुलगुले गुलगुले मतलब क्या? गुलगुले ये गुड़ का होता है व्यंजन। गेहूं गेहूं में गुड़ मिला के तेल में वो डालते ही गुलगुल जैसे ऐसे जरा ओके लगता है वो। सामग्री बताएंगे हमें? हाँ, ये गेहूं का आटा है, गुड़ है, इलायची, खसखस, बस दैट्स इट। हाँ बस। अच्छा, लेकिन ये गुड़ क्या आपने सादा लिया या किसा हुआ लिया? नहीं, किसा हुआ है। किसा हुआ लिया? हाँ हाँ। मतलब अंदाजे से कितना है? दो कटोरी में एक कटोरी गुड़। दो कटोरी में एक कटोरी गुड़। ओके, सामग्री छोटी सी है। अब बढ़ते हैं हम विधि की तरफ। यहाँ ऑलरेडी तेल हमने उबालने के लिए रखा है और उस तरफ पानी गर्म करने के लिए रखा है, वो नहाने के लिए नहीं। लेकिन उसका क्या करना है ये हमें ये बताएंगे क्या करना है। पहले पानी में गुड़ डालेंगे। ये लीजिए। नहीं नहीं, आराम से। हाँ हाँ ओके, इसे हम मिक्स कर लेंगे। हाँ हाँ, ये सब गैस बढ़ाओ, ज्यादा कर दीजिए। ये साधारण मतलब हम चीनी का जैसे पाक तैयार करते हैं वैसे ही गुड़ का पाक। अच्छा, लेकिन एक तार या ऐसा कुछ नहीं करना इसमें, नहीं तो वो गाढ़ा हो जाएगा और चिपक जाएगा और बाद में चीनी और हथौड़े से अलग करना पड़ेगा। इतना वक्त जाया ना करें, ध्यान दीजिए कितनी देर में रुकना है। वो हो गया है, धीरे धीरे वो पिघलने लगा है। अभी इलायची और खसखस मिलाएंगे एक चम्मच। पतिदेव कभी बनाते हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, सिर्फ खाने का काम। डालूंगा और थोड़ा डालिए, जरा स्वाद आता है ना। खसखस। हाँ डालिए, और डालना है एक चम्मच बस। कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। गेहूं का आटा लीजिए। अच्छा, इसमें मिला? हाँ हाँ। अच्छा, आप धीरे से? हाँ हाँ हाँ, उबाल कर निकालना है। ओके, डालिए डालिए, जल्दी डालिए वरना गोले हो जाएंगे। एक्चुअली ठंडे पानी में डाल के ये उबाल तोड़ा ना तो बिल्कुल भी गोले नहीं होते, ये एक टिप है। मैं तो पूर्ण टिप है हर एक चीज के लिए, उबाल के निकालते वक्त हमेशा ठंडा पानी डालें। अच्छा, अभी क्या? डालिए डालिए, सब डालते जाइए, आधा कम से कम होना चाहिए, गाढ़ा हो जाएगा नहीं तो। थोड़ा और, एक चम्मच डालिए। हाँ हाँ, हुआ। अब गैस बंद कर दीजिए। ओके, अभी क्या है इसका, आगे क्या करना? अभी इसका गोला करना है और ठंडा होने के बाद बेलना है इसे। ठंडा होने के बाद? पर हाँ, बहुत ठंडा। हम होशियार हैं, हम ठंडा करके ऑलरेडी तैयार करके ले आए हैं। व्हाट नेक्स्ट? अभी एक गोला लेना है हमें। ओके, इधर ही लीजिए, इधर ही बेलिए, बेलन वहां पे है। ये क्या है? खसखस। अच्छा, नहीं हाथ संभाल के। आमतौर पे हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं, यहां पर खसखस लगाया जा रहा है। खसखस हम क्यों लगा रहे हैं? खसखस से स्वाद आता है थोड़ा सा अलग। अच्छा। जब खाते हैं ना हम, कुरुम, तब कुरुम। हाँ। नाम क्या है इसका? इसका गुलगुले। गुलगुले। अभी देखिए, देखिए कैसे गुल तेल में, तेल में कैसे होता है ये? गुल 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 गुल, ऐसी आवाज आ रही है। ओके, वो डिश ले लूं? हाँ। आहा, क्या बात है, लाजवाब खुशबू आ रही है। मतलब पूरी की ऐसी खुशबू मैं बहुत दिनों के बाद ले रहा हूं, पता है आपको? लाजवाब खुशबू। आपको आ रही है? नहीं नहीं, आपको आ ही रही होगी, आपको खुशबू आ ही रही होगी, है ना? आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ इस बात की खुशबू? करेक्ट। सामग्री और विधि लिख लीजिए। गुलगुले बनाने के लिए लगने वाली सामग्री: गेहूं का आटा, गुड़, खसखस, इलायची पाउडर और पानी। विधि: पहले एक पैन में पानी गर्म करके उसमें गुड़ एकजुट कर लें,
उसमें इलायची पाउडर, खसखस और गेहूं का आटा मिला के मिश्रण को एकजुट करके गूंध लें। तैयार आटे की पूरियां बेल लें और खसखस में मिला के लाल होने तक तल लें।